हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? हम तो भाई बिल्कुल बढ़िया है। और भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करी मैं सुबह के 6:30 बजे। और भाई चूल्हे का जो है काम वो मैंने निपटा दिया, रोटी बना दी और दूध गर्म कर दिया है। और जो है यहाँ पर बर्तन भी जो है एक बार तो साफ़ करते हैं। और अब बच्चे जाएंगे स्कूल, दूध वगैरह पियेंगे, और जो ये भी जाएंगे तो और बर्तन हो जाएंगे, उन्हें बाद में साफ़ करना। इधर पानी भी निकाल दिया है मैंने। और यहाँ पर जो है बच्चों के जो है कपड़े वगैरह जो ड्रेस है मैंने निकाल के रख दिया है। और आके करूँगी मैं इनका लंच पैक तैयार, इनको और पानी की बोतल में पानी डाल दूँगी। और अब मैं जा रही हूँ दूध का काम करने। तो आज मैं आपको मॉर्निंग का रूटीन दिखाऊंगी सारा। तो वही हो गए हैं तीनों तैयार स्कूल जाने के लिए। चलो अपने अपने बैग में लंच रख लो और पानी की बोतल रखो। चलो ये देख लो, ये बर्तन फेंक फेंक के मार रहे हैं। हाँ नींबू पानी बना रही हूँ मैं, रख ले इसको, जल्दी रख, स्कूल से आके दूंगी। नहीं, क्या खाया है? दूध और बॉर्नविटा पानी। क्या पिया है? दूध और बॉर्नविटा। नहीं अभी मौसम ना है नींबू के पानी का। नहीं तो भाई मौसम तो है नहीं, पर इसको बहकाने के लिए मैं थोड़ा सा जो है नींबू का पानी बना देती हूँ इसके लिए। बोतल में डाल दूंगी इसी में। फिर तो भाई ये बना दिया मैंने इसके लिए नींबू पानी। मौसम तो है नहीं, पर ये ना लायक मान ही नहीं रहा, क्या करें। ये बोतल में डाल दूंगी और ये चला जाएगा चुप स्कूल, नहीं तो ऐसे ड्राम नहीं करेगा स्कूल जाने के लिए। तो भाई ये देख लो, नमस्ते कर रहे हैं ड्रामेबाज। तो वही खजाने में से इनके लिए पहले तो टोफी निकालते हैं। कितनी दूँ? तीन दो ले। मैं तो मेरे रुपीस चाहिए। रुपीस रुपीस कुछ नहीं है, जल्द। तो भाई बच्चों के तो इतने ड्रामे हो गए थे सुबह कि ये टॉफ़ी नहीं खाऊं, ये नहीं लेके जाऊं, ये नहीं लेके जाऊं, और फाइनली बच्चे गए स्कूल। और अब रहेगी बच्चों के घर में आने तक शांति, और हम मज़े से करेंगे अपना सारा घर का काम और आराम करेंगे। और पापा भी गए अब खाना खा के, और ये दोनों भाई भी गए। तो खैर भैया तुमने तो नाइट शिफ्ट करी थी, भैया आए ही नहीं है रात से घर, और अब ओवर टाइम करके एक बार ही आएंगे शाम को घर। और अब लगेंगे हम अपने घर के काम में। तो भाई सुबह तो बर्तन साफ़ कर दिया था और ये नाश्ते पानी के फिर से हो गए। और आज है जो है ट्यूसडे, मंगलवार, और पापा ने जो है आज सुबह ही जल्दी पूजा कर ली है। कि अब घर में जो है सारा काम फैल रहा है, फिर लगाएंगे हम अपने झाड़ू पोछा बर्तन। और घर का आधा काम तो हम कराए थे और आधा जो है अब जाके फिर से करेंगे। तो भई अब हुआ है हमारा काम ख़त्म, और काम ख़त्म करने में जो है मैं बज गए हैं 11:30। और भई नहा के हमने पूजा कर ली थी दोनों ने, और खाने में जो है रात की जो मैंने मिक्स वेज बनाई थी वो सब्जी थी, और अब बनाई थी हमने घिया की सब्जी होती है साथ में लस्सी रोटी, और कल शाम को जो मिर्च छोकी थी वो भी खा ली थी हमने। तो भाई खाना खा के अब मैं आ गई हूँ ऊपर आराम करने के लिए, और दीदी कर रही है नीचे आराम। और भाई बच्चों के आने तक अब ही समय है 1.5 से 2 घंटे का, तो अब आराम कर लेते हैं और फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर उनके साथ फिर से काम में लग जाएंगे। और अब कर लेते हैं आराम, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। खड़ा हो जा, खड़ा आते के साथ ड्रामे मत किया करो, खड़ा हो जा, खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो जा, हो जा, ड्रामे मत कर ज्यादा। और देख लो कपड़े चेंज करने के बाद, और ये अपने खा रहे हैं। क्या खा रहे हो आज? फ्रूट चाट। फ्रूट चाट, फ्रूट में क्या है? केले और अमरूद। अमरूद दिखाना, लाल वाले हैं ये तो। हाँ। और साथ में देख रहे हैं फोन। चलो खा लो। चाची झाड़ू लगा दी? झाड़ू? झाड़ू तो मैंने लगा दी कब से। अच्छा, इतनी जल्दी जल्दी बर्तन साफ क्यों कर रही हो? जल्दी जल्दी बर्तन यूं साफ कर रही हूँ, बारात ना जाएगी फिर ये हमारे घर के यहाँ पे। अच्छा।
आपके तो इतनी शादी हुई है, इतने तो पिछले साल भी ना हुई थी इतनी आपका हो रही है। सारा एक बार आपका ब्याह जाता लगा, अगले साल ब्याह ही ना हुआ हो फिर। तो भाई बारात तो हमने देख ली, बारात को तो देखने में अलग ही मजे आते हैं, कितनी शादी हो पर बारात जरूर देखनी है, मजे आते बारात देखने में। तो भाई आज दीदी बैठी है अपने दर्जी बन के, टेलर का काम कर रही है, और जब तक ये दूध जमाने का कर दिया गर्म और यहाँ पीने का रख दिया है। और देखो भाई ये बैठो टेलर मास्टर, जब किसी ने कुछ सिलवाना हो ना तो भाई लत्ता भेज दियो, सीम देगी, मास्टर नहीं बैठी है जी, हम तो इतने बड़े टेलर हैं। हाँ टेलर ही है, सिलता रही है कुछ भी सिल रही हो ऐसे तो थोड़ी बहुत। हाँ तो भाई जिस किसी ने भी कपड़ा सिलवाना हो एड्रेस भेज दूंगी मैं, के दोरे भेज दियो मैडम के दोरे, ये लत्ता सीम दे। और भाई वे तो दोनों गया है बाहर खेलन की नहीं, उनका तो बहुत जल्दी काम हो जाए। और यहाँ पे अब भारती कर रही है अपने स्कूल का, और भाई ये बन रहा है दलिया भैया के लिए, और आज हम शाम के खाने में बनाएंगे अपने लिए आलू की और मटर की सब्जी चूल्हे पर ही। तो पहले दूध गर्म होने के लिए रख दिया, वो होएगा तब तक अपने जो है सब्जी काट के और वो सामान तैयार कर लूँगी, और फिर बनाएंगे हम आलू मटर की सब्जी। ना पहननी आती हो ना बांधनी ना आती हो उसकी नहीं, एक सीधा सिंपल और देसी जुगाड़। तो भाई ये है ब्लाउज का कपड़ा और ये है इसका देसी वाला जुगाड़। तो ये आपको एक ट्रिक सिखा रही है साड़ी पहनने की, इजी। तो भाई ये देख लो ब्लाउज का जो कपड़ा है उसको पेट पे बांध लिया, और ये इसका देसी जुगाड़ है। और जब ये बिल्कुल बन जाएगी तब दिखाऊंगी मैं आपको। और देखो हम पे भी प्लेट नहीं आती ढंग से बांधनी और करनी, देख लो इसके, देख लो भाई ये इनका देसी जुगाड़, देख लो प्लेट एकदम परफेक्ट बैठा दी है, और हम पे आज तक प्लेट लगानी नहीं आई है साड़ी की। देखो ये बिल्कुल हो गई है बनकर साड़ी तैयार, देख लो भाई एक मिनट भी नहीं लगाया इसने साड़ी बांधने में। चल पापा आते होंगे अब इसे निकाल दे। तो भाई ये दूध तो पीने का हो गया गरम, और इसने ढक दूँ पहली तो भैया दिया ढक, और आज सब्जी बनाएंगे इस पतीले में, आज कढ़ाई में नहीं बनाएंगे। तो इसमें मैंने तेल डाल दिया गरम होने के लिए, क्योंकि थोड़ी पानी की सब्जी है ना कढ़ाई में चलाने में दिक्कत आती है। तो सब्जी की यहाँ पर हो रही है तैयारी, और ये छाइंस का बचा हुआ दूध ये मैंने फ्रिज में रख दिया था वापस। तो भाई मन कर रहा है थोड़ा सा ठंडा दूध पी लो, पर गला सा हो रहा है ख़राब। और आलू मटर ये जो है मटर मम्मी ने छील दी थी दो तीन दिन पहले, और आलू मैंने कट कर दिए अब। और सुबह क्या बनेगी सब्जी? दाल। तो भाई सुबह सब्जी बनेगी दाल। तो भाई ये तेल हो गया है बिल्कुल परफेक्ट गरम, और अब इसमें जो है प्याज और लहसुन, वैसे तो आज मंगलवार है पर फास्ट नहीं है हमारा, पर हम सोचते मंगलवार को ना डाले, दीदी कह रही शाम हो रही है गए अब तो मंगलवार, और प्याज काट दिया लहसुन भी काट दिया। अब भैया को पता चलेगा तो भैया करेंगे गुस्सा, पर नहीं मानी डाल दी। तो भाई ये डाल दिए टमाटर, थोड़ी सी देर के लिए इसको ढक देंगे पहले, जिससे ये टमाटर जो है थोड़े से गल जाए, और जो बाहर ये छींटे आती ना ये भी ना आए। भाई सबसे पहले इसमें मटर डाल दी है और थोड़ी सी रख ली है कल चावल के लिए, और इसमें अभी तक नमक और हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बस सीधी मटर डाल दी अभी। तो इनको मटर को गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पहले थोड़ी देर ऐसे ही पका। अब डालेंगे इसमें हल्दी और नमक, जिससे थोड़ी जल्दी गल जाए, क्योंकि मटर गलने में थोड़ा टाइम लगाती है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी इसमें, क्योंकि मैंने हरी मिर्च दो से तीन ही काटी, ज़्यादा नहीं काटी। लाल मिर्च से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, और हरी मिर्च काटते हैं तो सब्जी ऐसी लगती है हरी हरी पीली पीली सी। तो भैया अब इसमें डाल देंगे आलू, और जो है सब्जी के अकॉर्डिंग डाल देंगे पानी, और फिर इसको ढक देंगे। भैया की भी रोटी नहीं बनेगी वैसे तो, और पापा गए हैं शादी में बारात में, जिसकी मैं बात कर रही थी, बारात जा रही है। हाँ पानी बहुत है, अब ये धीमी धीमी आंच पर ऐसे ही पकती रहेगी, तब तक मैं यहाँ आटा लगा देती हूँ। चाची सब्जी बन गई? अरे बेटा सब्जी तो ना बनी, बन रही है अभी तो, टाइम लगेगा। तो जब तक वहाँ चूल्हे पर वहीं पर बैठ के क्या करती, आटा लगा दिया है, और जब तक तुम्हारी ड्रेस पे प्रेस कर दूँ, और तो चाचा की ड्रेस पे कर दूँगी प्रेस, तो खड़ी करके वहीं पर बैठ के क्या करती, दो काम हो जाएगा एक साथ, फटाफट प्रेस कर दूँगी तुम्हें।
जला दिया है यहाँ। सब्जी अभी बनी नहीं है और नक्श बाहर घूम आया था, स्कूल का होमवर्क इसने कर ही लिया था और अब ये कर रहा है एक्स्ट्रा वर्क, और इसके दोनों जीजी भाई कर रहे हैं ऊपर छत पर एक्सरसाइज। प्रेस तो हो गई है और जब तक अभी सब्जी बनने में टाइम है, जब तक इन बर्तनों को जमा देती, ये वाला काम भी खत्म, तो भाई ये वाला काम भी खत्म हो जाएगा। तो भाई फाइनली जो है सब्जी को बनने में लग गया है कम से कम पौना घंटा, और ये देखो सब्जी बनकर हो चुकी है बिल्कुल परफेक्ट तैयार। घर बनाएंगे हम दोनों खाना और इनके रोज की तरह इनके ड्रामे चल रहे हैं। तो भाई खाना खा लिया है सबने और हमने भी खा लिया, बर्तन वगैरह भी साफ कर दिए और सारा काम हो गया हमारा ख़त्म। और सब्जी इतनी बन गई थी तो सुबह सब्जी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बंदर बैठा है मेरे पीछे खेल रहा है ये। और भाई अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, पता नहीं गर्मी में तो हाल ही क्या होएगा। तो भाई मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।